हेलो एवरीवन आई एम योर टीचर फॉर दिस क्वेश्चन लेट मी सॉल्व इट टू यू नाउ अ फाइव डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड इन कंडक्टर बाय पासिंग अ करंट इफ़ करंट इज़ डबल द राइज इन टेम्परेचर ऑफ़ द कंडक्टर विल बी नियरली तो क्वेश्चन में कहा है कि हमें पाँच डिग्री सेल्सियस का राइज मिलता है टेम्परेचर में अगर हम कंडक्टर में करंट ऑब्जर्व करते हैं अगर हम करंट को डबल करते हैं तो टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर विल बी नियरली कितना होगा तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारा जो करंट है वो पहले के करंट का डबल है तो हमसे राइज इन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पूछा है अगर पहले करंट पास करने पर हमें राइज इन टेम्परेचर मिल रहा था कितना फाइव डिग्री तो पहले वाले करंट से फाइव डिग्री का राइज था तो अब अगर हम डबल करंट भेज रहे हैं तो कितना राइज इन टेम्परेचर होगा तो देखिए हम जानते हैं रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन हीट प्रोडक्शन इन कंडक्टर कितना होता है आई स्क्वायर आर इसका मतलब रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन यानी पावर इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर तो अगर हमारा पहले चेंज इन टेम्परेचर था टी वन तो करंट था आई वन बाद में चेंज इन टेम्परेचर है टी टू तो करंट है आई टू स्क्वायर कर देंगे तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा डेल्टा टी वन आई टू अपॉन आई वन का होल स्क्वायर पहले राइज इन टेम्परेचर कितना था 5 डिग्री अब कितना हो जाएगा 20 डिग्री क्योंकि I2 टू ट्वाइस ऑफ I1 दिया हुआ है तो 20 डिग्री सेल्सियस कौन से ऑप्शन में राइज है बी ऑप्शन में तो बी हमारा आंसर होगा आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन नाउ थैंक यू